गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम वनस्थली इंटरनेशनल स्कूल। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द विंडोज। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल रीड क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द फोल्डर एंड फाइल्स। ओके, फोल्डर्स क्या होता है? अपनी फाइल्स को सेपरेट रखने का एक तरीका होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप अपनी फाइल्स को डिफरेंट आपके सब्जेक्ट वाइज रख सकते हो। सपोज़ हिंदी की हैं तो हिंदी के फोल्डर में सेव कर सकते हो आप उन्हें, इंग्लिश की हैं तो इंग्लिश के फोल्डर में सेव कर सकते हो, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ओपन होता है। तो विंडो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। Use the navigation pane to move the folder where you want to create the folder and select it by clicking on it. Note that the right pane display the contents of this folder. तो navigation pane कौन सी होती है आपकी? Left pane बोलते हैं जिसे हम, वो हमारी navigation pane होती है, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर हमें हमारे folders वगैरह show होते हैं वो सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट द फोल्डर एंड सेलेक्ट इट बाई क्लिकिंग ऑन इट। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले देखो कहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा न्यू फोल्डर। अगर हमें डी ड्राइव में फोल्डर बनाना है अपना, इसमें डी ड्राइव में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डी ड्राइव के अंदर पहुँच जाएंगे। फिर हमें क्या करना है? न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, एक नए फोल्डर बनाने के लिए हमारे पास क्या आएगा? एक आइकन आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, इसमें अपना जो फोल्डर का नेम रखना है, सपोज़ इंग्लिश की फाइलें स्टोर करनी है आपको, तो आप इंग्लिश टाइप करोगे, एंटर का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये एक नया फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, जैसे ये, ठीक, कुछ इस तरह से आपको अपना फोल्डर शो होगा। तो ये क्या हो गया, आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका। डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स। अगर आपको अपनी फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट करने हैं तो आप कैसे करोगे? क्लिक द सेलेक्ट द फाइल्स फोल्डर्स यू वांट टू डिलीट एंड प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। जो फाइल या फोल्डर आपको डिलीट करने हैं क्या करोगे, उसे सेलेक्ट करोगे पहले अपने माउस से, फिर कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे। तो द कंप्यूटर डिस्प्ले ए मैसेज टू फॉर कन्फर्मेशन। ये हमारी कन्फर्मेशन के लिए हमसे मैसेज पूछेगा कि आप रियल में ही इसे डिलीट करना चाहते हो या नहीं। येस करोगे तो क्या होगा, आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। नो करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, ये कमांड आपकी कैंसिल हो जाएगी। और डिलीट होने के बाद हमारी फाइल्स या फोल्डर्स कोई भी कहाँ पे जाते हैं, हमारे रिसाइकिल बिन में। हमारे कंप्यूटर में एक रिसाइकिल बिन होती है जिसमें हमारे फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स रहते हैं। तो आप बाई मिस्टेक, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई ज़रूरी फाइल अपनी बाई मिस्टेक डिलीट हो जाती है, तो अगर हम उसे वापस लाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं अपने डिलीटेड फाइल से फोल्डर्स को, तो कैसे करेंगे? डबल क्लिक द रिसाइकिल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये हमारा कहाँ पे होता है आइकन? डेस्कटॉप पे होता है। तो इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे हम माउस से, लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। द रिसाइकिल बिन विंडो ओपन अप, इट डिस्प्ले ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितने भी डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सारी शो कर देता है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। देन सर्च फॉर योर रिक्वायर्ड डिलीट फाइल्स फोल्डर एंड सेलेक्ट देम। जो भी आपकी फाइल या फोल्डर्स डिलीट हुआ, आपको सारे नेम शो करेगा यहाँ पे वो, ठीक है, आप क्या करोगे, उसे सेलेक्ट करोगे। देन राइट क्लिक द सेलेक्टेड फाइल्स फोल्डर्स, ठीक है, जो भी आपकी फाइल या फोल्डर है सिलेक्टेड, उस पर क्या करोगे, राइट बटन क्लिक करोगे। द राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स, ठीक है, इस तरह ये मेन्यू आपको दिखाई देगी वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जहाँ से आपकी ये फाइल सेव थी या ये फोल्डर सेव था, ये वापस वहीं पर आपका पहुँच जाएगा रिस्टोर करने के बाद। ओके, ओपनिंग ए फाइल एंड फोल्डर्स। अगर आपको अपनी फाइल या फोल्डर ओपन करने हैं तो टू ओपन ए फाइल और फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू दैट फाइल और फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट।
The file folder will open and you can view its contents. It means जो भी फोल्डर के अंदर आपकी एक इंग्लिश का फोल्डर है उसके अंदर आपकी इंग्लिश की फाइल्स पड़ी हैं तो उसके आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, पहले आप फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप एंट्री कर जाओगे अपने फोल्डर के अंदर। फिर जो भी फाइल आपको ओपन करनी है चैप्टर वन की, चैप्टर टू की, जो भी करनी है, आप उस पर क्या करोगे, फिर से उस पर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो ओपन होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग ए फाइल एंड फोल्डर, अपनी फाइल और फोल्डर्स को भी आप एक नेम चेंज कर सकते हो। बाय द वे आपसे हो जाता है कि कभी कभी मिस्टेक, बाय मिस्टेक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या आप कुछ और नाम रखना चाह रहे थे अपने फाइल या फोल्डर का, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। कैसे, यूज़ द नेविगेशन पैन इन विंडो एक्सप्लोरर टू मूव टू द फोल्डर यू वॉन्ट टू रीनेम। अपने नेविगेशन पैन में जाएंगे और जो भी आपकी फाइल या फोल्डर है, रीनेमिंग के लिए बताया गया है इसमें, चलो कोई नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर टू मूव द फाइल एंड फोल्डर यू वांट टू रीनेम, ठीक है, उस फाइल या फोल्डर में जाएंगे आप जहाँ पे आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो अपने फाइल और फोल्डर का। देन क्लिक राइट बटन, फाइल या फोल्डर जो भी है आपका उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे एंड रीनेम का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक कर देंगे इसमें, ठीक है। देन कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, देखिए जैसे आप राइट बटन क्लिक करेंगे विंडो ओपन होगी यहाँ पे इस तरह से, और आप क्या करेंगे इसमें रीनेम पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका क्या करेगा, उसमें आप फाइल नाम चेंज कर दो, जो भी आपको रखना है वो वाला फाइल नाम दो और प्रेस एंटर की, ठीक है। नाम चेंज करने के बाद आप एंटर की प्रेस कर दोगे कीबोर्ड से अपने, तो आपका क्या नाम होगा, आपकी फ़ाइल का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, कॉपी और मूविंग ए फाइल या फोल्डर, अपनी मतलब अपने फाइल या फोल्डर को मूव करना या कॉपी करना। व्हेन वी कॉपी ए फाइल और फोल्डर यूजिंग कॉपी ऑप्शन, व्हेन वी टेक इट टू ए न्यू लोकेशन लीविंग ए कॉपी ऑफ इट्स ओरिजिनल लोकेशन, मीन्स जब हम अपने फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम एक नए और लोकेशन पे उसे सेम कॉपी चाहिए हमें उसकी, और ये अपनी ओरिजिनल कॉपी इसकी अपनी ओरिजिनल लोकेशन में भी रहेगी और दूसरी लोकेशन में भी पहुंच जाएगी जहां आप चाहते हो उसकी कॉपी करना, ठीक है। और मूव का मीन्स क्या होता है, मूव से क्या होगा, ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगी और जहाँ आप लेके जाना चाहते हो अपनी फाइल को वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉपी में आपकी ओरिजिनल कॉपी भी रहती है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है, और मूविंग में आपकी क्या होता है, ओरिजिनल नहीं रहती, ओरिजिनल ही मूव हो जाती है दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप क्या होंगे, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी इन द एक्सप्लोरर विंडो, ठीक है। एक्सप्लोरर विंडो में क्या करोगे, अपने या फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करोगे, देन राइट बटन क्लिक करोगे उसके ऊपर, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या होगा, ऑप्शन मिल जाएगा कट कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी आपको करना है, ठीक है। देन गो टू द डेस्टिनेशन फोल्डर यूजिंग द नेविगेशन पैन एंड राइट क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन फोल्डर, आपको जहाँ पे भी वो लेके जानी है आपकी फ़ाइल कॉपी या मूव करनी है तो उस डेस्टिनेशन पे आप जाओगे, ठीक है, और चूज़ द पेस्ट ऑप्शन टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर, वहाँ पे जहाँ भी आपको कॉपी करनी है वहाँ पे राइट बटन क्लिक करके आप क्या करोगे, चूज़ करोगे पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, वो फाइल कॉपी या मूव हो जाएगी आपकी, ये देखो कुछ इस तरह से, जिस फोल्डर पे भी हम राइट बटन क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी, आप इसमें से क्या करोगे कट कर, इन्होंने कट किया तो कट करने से क्या होगा, यहाँ से मूव हो जाएगी, वो यहाँ से हट जाएगी दूसरे प्लेस पे पहुँच जाएगी। अगर आप कॉपी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो क्या होगा, ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगी वो और दूसरी लोकेशन में भी आपकी वो शिफ्ट हो जाएगी। ओके, कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं इनके लिए, आप राइट बटन क्लिक न करके फाइल को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी फाइल करने के लिए कंट्रोल सी कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ की का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स होता है बेटा हमारा, कंट्रोल एक्स मींस फाइल को कट करना, ठीक, मींस जहाँ से आप मूव करना चाह रहे हो मूव करने के लिए कंट्रोल एक्स कमांड यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, और कंट्रोल वी होता है हमारा पेस्ट करने के लिए। इन दोनों कमांड का यूज़ करने के बाद जहाँ पे भी अपनी फाइल को कॉपी करनी है या आपको मूव करनी है उसके लिए हम कंट्रोल वी ही करते हैं, ठीक है। तो आपकी वो क्या होगा, फाइल कॉपी हो जाएगी या मूव हो जाएगी जैसे भी आपने कमांड देंगे आप, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बेटा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।